हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, मुसलमानों का खून भी शामिल है इस मिट्टी में। हिंदुस्तान किसी एक की जागीर नहीं है, और ऐसा ही कुछ सिखों के मामले में भी कहा जा सकता है, और ऐसा ही कुछ क्रिश्चियंस भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। पर हिंदुस्तान है किसका, या हिंदुस्तान है क्या, या हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति है क्या? तो हिंदुस्तान शब्द के इतिहास के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंद कुश की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। हिंद कुश की पहाड़ियों के पीछे के हिस्से को हिंदुस्तान कहा गया। जब मुगल आए तो उन्हें इस हिंद कुश की पहाड़ियों को पार करके आना पड़ा था। हिंद कुश शब्द का एक और माना जाता है कि उसके अनुसार ईरानी शब्द पर्शिया या ईरानी का शब्द हिनू है, एवं संस्कृत के शब्द सिंधु को लेकर हिनू और सिंधु दोनों को मिलाकर हिंदुस्तान बनाया गया। एक और प्रचलित है कि जब डोरियस प्रथम ने सिंधु घाटी के लगभग भूभाग को अधिकार कर लिया, तब सिंधु नदी की घाटी के पीछे रहने वाले भूभाग को हिंदुस्तान कहा। तो ऐसी बहुत सी बातें आपको इतिहास में मिल जाएंगी। पर हिंदुस्तान दरअसल है क्या, या ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये सिख, ये बाकी चीज़ों में हम आपस में लड़ते हैं, जितना भी एक देश के लिए, एक भूभाग के लिए, ये दरअसल है किसका, या है कौन, इसका मेन असली मालिक है, हकदार कौन है? जैसे मैं सिखिज्म की बात करूँ तो जितनी भी सिखी है और हिंदू है, लगभग इनकी मान्यताएं, विचारधाराएं लगभग सब सेम है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और श्री गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी और बहुत सारे अत्याचारों से बचाया था, प्लस रूढ़िवादियों को भी मिटाया था, तो सिख और हिंदू लगभग एक ही हैं। दोनों की विचारधाराएं, मान्यताएं, कुछ कुछ पूजा पाठ भी लगभग सब कुछ सेम है। खैर, अब अपनी मूल बात पे आ जाते कि हिंदुस्तान किसका है। तो मेरा एक प्रश्न है, यदि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस घर पर अधिकार कैसे कर सकते हैं? या और अगर स्पेसिफाई करूं, क्लियर करूं, एक घर में दो लड़के रहते हैं, एक लड़का अपने पूरे परिवार, पूरे घर को साथ लेके चल रहा है और सोच रहा है, माँ बाप को दिख रहा है कि वो अपने घर के लिए बहुत कुछ करता है, और वहीं दूसरा लड़का सिर्फ अपने आप में उलझा रहता है। जब उसको कुछ पैसे की जरूरत या किसी चीज की जरूरत होती है तो घर आता है, तोड़फोड़ मचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो क्या माँ बाप, जो उन्होंने अपनी मेहनत से घर खरीदा है, उस घर पर ऐसे लड़के को अधिकार देंगे जो उस घर के लिए सोच रहा है, या ऐसे लड़के को अधिकार देंगे जो उस घर को नुकसान पहुंचा रहा है? इसी को हम बड़े पैमाने में समझे तो देश भी हमारा घर ही है। कभी भी कुछ दंगा होता है, हड़ताल होता है, अपनी बात सरकार से मनवानी होती है। मैं किसी, यहां एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी राजनीतिक कोई लड़ाई झगड़ा हो, दंगा हो, कुछ भी हो, तो हम देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी तो देश को नुकसान पहुंचाना ही है। अगर आप किसी देश को अपना बोलते हैं और उस देश के लिए देश प्रेम ही नहीं है, तो वो देश कैसे आपका हो सकता है? मैं आज हिंदुस्तान में जन्मा हूं, तो मेरी जो विचारधारा है वो हिंदुस्तान के लिए रहेगी। मैं हिंदुस्तान को अपना देश मानता हूं, तो सबसे ऊपर हिंदुस्तान को ही रखूंगा। मेरा देश प्रेम हिंदुस्तान के लिए रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। अगर मैं कहीं अमेरिका में जन्मा होता तो मेरे लिए अमेरिका सर्वोपरि होता, दुनिया की बेस्ट कंट्री होती। ऐसे किसी और दुनिया के कोने में, पाकिस्तान में जन्मा होता तो पाकिस्तान मेरे लिए सबसे बेहतर होता, इस्लाम मेरे लिए सबसे बेहतर धर्म होता। मैं सनातनी हूं, सनातन धर्म में जन्मा हूं, तो सनातन मेरे लिए सबसे उच्च धर्म है, बेहतर है। तो ये हमारी पर्सनल मत है, विचारधारा। हम जिस कुल में जन्मे हैं, जिस देश में जन्मे हैं, तो उसको हम अपना मानते हैं। पर सिर्फ कह देने से हो जाता है क्या? सिर्फ अपना मान लेने से हो जाता है क्या? जब देश पर कोई बात आती है, जब कहीं दंगा फसाद होता है, तो हम देश की संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाने लगते हैं? या चंद रुपयों के लिए अपने देश की खुफिया जानकारी किसी और देश को क्यों बेचने लग जाते हैं? या हम आतंकवादी बन के अपने देश के लोगों को ही क्यों मारने लग जाते हैं? अपने देश का नुकसान क्यों पहुंचाने लग जाते हैं? अगर हम ये सब गतिविधियों में लिप्त हैं, हम पैसे लेकर अपने देश की गोपनीय दस्तावेज, अपने आर्मी की मूवमेंट, ये सब अगर किसी और गैर मुल्क को दे रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, तो अपने देश की संपत्ति, बस, रेलवे, सरकारी बिल्डिंगें, इनको तोड़फोड़ कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस देश को अपना देश बोलने का अधिकार है ही नहीं हमारा, कैसे हो सकता है?
किसी देश को अपना देश बोलने के लिए सबसे पहले आपके मन में देश प्रेम होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप हिंदू हैं तो हिंदुस्तान हमारा हो गया, आप मुसलमान हैं तो हिंदुस्तान आपका हो गया, आप किसी और धर्म से हैं तो हिंदुस्तान आपका हो गया। मूलतः आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो भारत से आए हुए लोगों को हिंदुस्तानी ही कहा जाता है, आप चाहे किसी भी मत से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो। लेकिन ये देश कोई भी, चाहे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये देश मेरा है, तो इसके लिए सबसे पहला मेरा कर्तव्य भी बनता है इस देश के लिए कि मैं इस देश को नुकसान ना पहुंचाऊं अपनी किसी भी गतिविधि से। अगर ये देश मेरा घर है तो इस घर को साफ सुथरा रखना, इस घर को अच्छा रखना, इस घर को व्यवस्थित रखना, इस घर में शांति प्रिय माहौल रखना, ये भी मेरी, हमारी, आपकी जिम्मेदारी है। देश सिर्फ बोल देने से किसी एक का नहीं हो जाएगा, ये देश आपका, मेरा, हम सबका है। हम सब मिलकर रहेंगे, ये देश हमारा रहेगा। हम इस देश को तोड़ते हैं तो माफ कीजिएगा, ये देश किसी का भी नहीं है, ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी और का है। जय श्री हरि विष्णु।